हम इस समय गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हैं और मोहम्मदाबाद के कालीबाग में ये कब्रिस्तान है जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुख्तार अंसारी की कब्र है। मुख्तार अंसारी की कब्र के ठीक सामने उनके पिता सुभानुल्लाह अंसारी की कब्र है और ये कच्ची कब्र जो आप देख रहे हैं ये मुख्तार अंसारी की माँ की कब्र है और इसके पीछे तमाम इनके परिवार के लोगों की कब्र है। ये मुख्तार अंसारी के परिवार का पुश्तैनी कब्रिस्तान है जहाँ उनके परिवार के लोगों को दफन किया जाता है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं लोग कब्र पे लगातार मिट्टी दे रहे हैं और यहाँ पे शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। मुस्लिम परंपरा में लोग जो है कब्रिस्तान जाते हैं, कब्र को मिट्टी देते हैं। हम कुछ लोगों से बात करेंगे, अभी बंद कर दें, आपसे भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो कब्र पे पहुंचे हैं और इन्होंने मिट्टी दिया है, आइए बात करते हैं। क्या नाम है भाई? फैसल खान मोहम्मदाबाद के रहने वाले नहीं, हैं। हम लोग आए हैं घोसी से जी। घोसी से हैं तकरीबन 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर दूर घोसी है से हम लोग मुख्तार अंसारी विधायक रहे हैं जी। और लगातार जो है मऊ विधायक रहे हैं। मुख्तार मऊ अंसारी मऊ से भी 5 बार लगातार मऊ से विधायक लगातार 5 बार विधायक रहे हैं जी। और आज आप आए हैं, क्या कहेंगे मतलब कहेंगे मुख्तार यही कि उनके अंतिम संस्कार में नहीं आ पाए, जिसमें मिट्टी पिछले फ्राइडे को थी। हम लोग काफ़ी भीड़ भाड़ थी और काफ़ी दूरी थी, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। और आज मौका मिला है कि हम लोग चल के आज इनके कब्र पे, जो रीति रिवाज है फातिया बोलते हैं हम मुस्लिम धर्म में, तो हम लोग आज फातिया पढ़े और मिट्टी दिए हैं। एक लगाव था परिवार के लोगों से भी मुलाकात हुई है क्या? जी, माननीय सांसद जी से मुलाकात हुई है और उमर भाई से भी मुलाकात हम लोग करके फिर यहाँ पे आए कब्रस्तान में। अब जा रहे हैं आवास पे मुलाकात करके फिर घर। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आरिफ भाई भाई साहब आपका? जी, मेरा नाम आरिफ खान है, कहाँ से आए हैं? मैं घोसी से कारी साथ कर रहे हैं, कारी साथ से आए हैं। तो आप यहाँ आए हैं मुख्तार अंसारी की कब्र पे संवेदना व्यक्त करने, क्या कहेंगे? सर, मुख्तार अंसारी एक अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उनको तो ये शख्स जो है बोल नहीं पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं जो यहाँ कब्र पे मौजूद हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? क्या नाम है आपका? मिराज खान, कहाँ से आए हैं? घोसी से आए हैं मुख्तार अंसारी की कब्र पे शोक जी। संवेदना व्यक्त करें, क्या कहेंगे? बहुत अच्छे आदमी थे। हाँ हमारे साथ इस कब्रिस्तान के केयर टेकर अफरोज अंसारी भी हैं जिन्हें मुजावर कहा जाता है। ये लगातार उस दिन से यहाँ पे हैं, उससे पहले भी इस कब्रिस्तान की देखभाल इनके ही जिम्मे है। इनसे बात करते हैं, क्या कहेंगे कि लोग लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है, अभी तक जो है कितने लोग करीब आ चुके होंगे? अरे अब तक लाखों लोग पहुंच चुके हैं 5 दिन के अंदर। हम लोग सो नहीं पाते, अभी 4 बजे भोरे से गेट को ताला खोलते हैं, बस दो दो घंटा जाते हैं, बस यहीं पे घर है, आते हैं, फिर 2-2.5 बजे रात तक लाइन लगी रहती है, पब्लिक रुकने का नाम ही नहीं ले रही, बताया जा सब रहा है लोग आ। कि तमाम जो है विदेशों से वीडियो कॉल के माध्यम से भी लोग जो है मुख्तार की कब्र का दर्शन करना चाहते हैं। मुख्तार की कब्र पर जो है वीडियो कॉल के द्वारा भी लोग देखना चाह रहे हैं, तो क्या ये वीडियो कॉल आपके ऊपर आपके फ़ोन पे आती है या लोग जो है आके कराते, क्या हो? जी कुछ लोग आकर कराते हैं जी, बहुत से लोग फोन आता है उन लोगों पर, हमरा पर भी आता है, सैकड़ों ऐसा फोन आ चुका है। हमारे दोस्त यार आते हैं लेकर, मोबाइल देते, जरा दीदार करा दीजिए भाई, भीड़ लगी रहती है, रात में भी भीड़ लगी रहती है। हम मोबाइल लेकर आकर भैया को दीदार कराते हैं ईमो पर, व्हाट्सएप पर। तो कुछ लोग गैर मुस्लिम के लोग ज्यादा हैं कहाँ कहाँ यहाँ, से कॉल अभी तक आई है? अभी तक तो सऊदीया, ओमान, कतर, दुबई, यही सब आ रहा है। वो कुवैत से भी आ रहा है, इराक से भी आया था मुख्तार अंसारी के चार। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी मोहब्बत, ऐसी चाहत, ऐसी दीवानगी लोगों को कभी नहीं देखा है जिस जगह मुख्तार अंसारी में हम देख रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि ये मुख्तार अंसारी के कब्र के बगल में जगह छोड़ी गई है, उनके बेटे उमर अंसारी ये चाहते हैं कि जब भी उनका निधन हो तो उनकी माँ यानी आफसा अंसारी की भी कब्र यहीं बनाई जाए, क्या कहेंगे? हाँ उमर साहब हमसे आपस में बात कर रहे थे कि अफरोज भाई ये जगह सोच रहे हैं कि जिस तरह दादा के
के बगल में दादी हैं, उसी तरह अब्बू के बगल में बहू, इससे अच्छा बेहतर का होगा। हाँ, यहाँ जितने भी कब्रें देखेंगे बगल ही में सब, अगर पति मतलब सौसवर उस साइड है, पूरब तो पश्चिम बगल में औरत लोग हैं, जैसे उनके चचा हैं, फिर चाची हैं, दादा हैं, दादी हैं, उधर है बड़ी अम, बड़े अबू, बड़ी अम, ऐसे ऐसे करके है। तो अफरोज ने एक बड़ी बात बताई, जैसा आपको हमने अभी दिखाया, ये मुख्तार अंसारी के पिता की कब्र है, ठीक बगल में उनके माता की कब्र है, और अभी मुख्तार अंसारी की जो कब्र बनाई जा रही है उसके बगल में इनके अनुसार, अफरोज के अनुसार जगह छोड़ी जा रही है ताकि उनकी पत्नी का जब भी निधन हो उनकी कब्र यहाँ बनाई जा सके। हालांकि आफसा अंसारी अभी फरार हैं और जब भी उनका निधन होगा उनके बेटे उमर की इच्छा यही है कि उनकी माँ की कब्र उनके पिता के कब्र के बगल में ही बनाई जाए। गाजीपुर से आशुतोष त्रिपाठी, भारत समाचार।